सन नाइस न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ सलोनी सरीन। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है वैसे वैसे आम आदमी की जिंदगी भी अब धीरे धीरे आसान होती जा रही है। अब इसी दिशा में लोगों को अधिक सहूलियत देने के लिए सामान्य पासपोर्ट की जगह ई पासपोर्ट आने वाला है। फिलहाल आपको ये जानकर शायद यकीन ना हो लेकिन ये सच है। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने गुरुवार को कहा कि सरकार 2022 और 23 की शुरुआत से नागरिकों को ई पासपोर्ट जारी करने का प्लान कर रही है। मुरलीधरन का जवाब राज्यसभा में कैलेंडर वर्ष 2022 में ई पासपोर्ट जारी करने के सरकार के प्लान और उसकी जानकारी पर एक सवाल के उत्तर में आया। तो क्या है ई पासपोर्ट, आइए जानते हैं इसके बारे में। कैसा होगा ई पासपोर्ट, सबसे पहले ये जान लेते हैं। पीटीआई के अनुसार एमओएस ने बताया कि ई पासपोर्ट एक कंबाइंड पेपर और इलेक्ट्रिक पासपोर्ट होगा जिसमें एक एम्बेडेड रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी कि RFID चिप होगी और एंटीना बैक कवर में एक इनरेल के तौर पर एम्बेडेड होगा। मुरलीधरन ने आगे कहा कि पासपोर्ट की जरूरी जानकारी आपको डेटा पेज पर प्रिंट होने के साथ साथ चिप में भी स्टोर की जाएगी। डॉक्यूमेंट और चिप की खासियत इंटरनेशनल सिविल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ICAO डॉक्यूमेंट 9303 में बताई गई है। सरकार के मुताबिक इसमें 15 से 20 दिन के मुकाबले सिर्फ 7 दिन में जारी किया जा सकेगा। मुरलीधरन ने आगे कहा कि विदेश मंत्रालय ने नेशनल इन्फॉर्मेटिव सेंटर यानी NIC को ई पासपोर्ट जारी करने को लेकर टेक्निकल जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने कहा कि ई पासपोर्ट को इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नागरिक द्वारा तैयार किया जाएगा। प्रेस ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ 4.5 करोड़ ICAO कंप्लाइंट इलेक्ट्रिक चिप की खरीद के लिए आक्षय पत्र जारी किया है। एमओएस ने राज्यसभा को सूचित किया है कि वर्तमान में ई पासपोर्ट के सैंपल की टेस्टिंग हो रही है। फुल स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग और विवरण टेक्निक इकोसिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर के पूरा होने के साथ शुरू हो गया है। देखने में ई पासपोर्ट अभी इस्तेमाल किए जाने वाले पासपोर्ट्स की तरह ही होगा लेकिन किसी तरह के फ्रॉड को रोकने के लिए इसमें नई टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें एम्बेडेड रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप लगाया जाएगा जिससे असली और नकली पासपोर्ट की आसानी से पहचान हो जाए। इस पासपोर्ट में नागरिक का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस आदि जैसी अहम जानकारियां होंगी। इसके साथ ही इस पासपोर्ट के चिप में यात्री के ट्रेवल डिटेल्स भी मौजूद होंगे। केवल एक स्कैनिंग पर ही यात्री के सभी डिटेल्स का पता लगाया जा सकेगा। इसके साथ ही इस पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने के तरीके में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। पहले की तरह ही पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया को रखने की सरकार की तैयारी है। गौरतलब यह है कि वित्त वर्ष 2022 और 2023 का बजट भाषण पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में डिजिटाइजेशन पर जोर देते हुए बताया था कि सरकार जल्द ही ई पासपोर्ट की सुविधा शुरू करेगी। इस सुविधा से लोगों को विदेश की यात्रा करना आसान हो जाएगा। सरकार इसे अगले वित्त वर्ष तक लॉन्च करने की तैयारी में। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहे सन नाइस न्यूज। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।